Hello students, we have read in last video that the first six consonants are PB, TD, JJ. These are represented by straight strokes written downward. These consonants form pairs, light sound, light strokes, heavy sound, heavy and dark stroke. आज न्यू एरे का चैप्टर सेकंड करूंगी. ये सेकंड ग्रुप के कॉन्सोनेंट्स हैं. सेकंड ग्रुप्स में कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स आते हैं? एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी. ये पेयर्स में लिखे जाएंगे. ये कर्व्स होते हैं और ये स्ट्रेट स्ट्रोक की तरह ही डाउनवर्ड में लिखे जाते हैं. तो ये कैसे लिखेंगे, इनको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पेयर्स में लिखे जाते हैं. एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी. मींस एक लाइट कर्व्स, हैवी कर्व्स, लाइट हैवी, लाइट हैवी, लाइट हैवी. एफ कर्व्स में लिखना है हमें लाइट एफ, वी डार्क, इथ लाइट, डायरेक्शन का ध्यान रखना है हमें, डी डार्क, इथ डी लेफ्ट साइड को बनेंगे और एस और जी राइट साइड को. एस एस लाइट, जी डार्क, इश इश और जी इसी की तरह बनेंगे लेकिन थोड़ा सा नीचे को डाउन, थोड़ा सा डाउन होके लिखेंगे इनको. इश लाइट और जी डार्क. तो ये हमारे पेयर्स में है कर्व्स. एफ वी, एफ वी, इथ दी, एस जी, इश जी. अगर ये कर्व्स हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, इनका कैसे यूज करते हैं? हैव के लिए वी का यूज होता है, हैव के लिए वी का, थिंक के लिए इथ का, देम के लिए डी का, वॉज वॉज के लिए जी का, शेल के लिए लाइट इश इश का, और यूजुअल एंड यूजुअली के लिए डार्क जी का. तो इसकी हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप एक बार स्ट्रोक की प्रैक्टिस करना. हैव हैव, थिंक, देम, वॉज, शैल, यूजुअल, यूजुअली. अब हम इन कर्व्स की और इस शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. इसी एफ से स्टार्ट करेंगे. ये देखो एफ से स्टार्ट करेंगे. एफ वी इथ दी एस जी, ऐसे करके करेंगे. फिर शॉर्ट फॉर्म लेंगे. एफ वी इथ दी एस जी इश जी. ये तो हमारे हो गए कर्व्स. अब शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म हम अगर स्पेस है यहां तो हम इसके आगे कर लेंगे. हैव, थिंक, देम डार्क, वॉज, शैल, यूजुअल लाइट, यूजुअली,
यूजुअल, ये शेल, यूजुअल, यूजुअली। तो एक बार फिर प्रैक्टिस आपको करती हूँ कैसे करनी है। एफ वी इथ डी एस जी इश जी शॉर्ट फॉर्म हैव थिंक देम वॉज शेल लाइट यूजुअल डार्क यूजुअली डार्क। तो ऐसे आपको ये बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। एक बार जो हमने पहले भी 6 स्ट्रेट स्ट्रोक किए हैं उसको लिख लेते हैं, फिर उनको इनके साथ कंबाइन करके प्रैक्टिस करते हैं। ये आपको ऐसे ही डेली करनी है। पी बी टी डी जे जे एफ वी इथ डी एस जी इश जी। जैसे आपको मैंने ये बताया, आपको ऐसे ही बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये स्ट्रोक या कर्व्स याद लर्न रहेंगे। तो एक बार और कर लेते हैं ऐसी। पी बी टी डी जे जे एफ वी इथ डी एस जी इश जी। इससे आप धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, तो आप इसको और जल्दी जल्दी लिख पाएंगे और आपको ये सारे स्ट्रोक और कर्व्स याद हो जाएंगे। कर्व्स और शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस कर ली है। आप सेकंड इसका पार्ट ए वर्ड प्रैक्टिस करते हैं। ये इन वर्ड्स में वॉवल में आपको ए करा चुकी हूँ और ए करा चुकी हूँ। ए में स्ट्रोक का आउटलाइन के साथ वॉवल का भी यूज़ किया है। ए में ए वॉवल जो कि सेकंड प्लेस वॉवल होता है, डार्क होता है, और बी में ए का जो शॉर्ट साउंड है और ये लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होता है, ये भी सेकंड प्लेस है। ए और ए दोनों सेकंड प्लेस वॉवल है। तो इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इन वर्ड्स की वर्ड प्रैक्टिस। दे 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 में द डार्क और ये दे डार्क दे। से स इसमें स्ट्रोक है और ए साउंड है। से एस लाइट और ये ए से ए वॉवल सेकंड प्लेस डार्क डॉट। फेड फे एफ लाइट डी फेड। पहले हमने स्ट्रोक बनाएंगे फिर हम वॉवल लगाएंगे। फेद फे द थ लाइट फेथ। शेप श शे प लाइट, ये दोनों लाइट बनेंगे शेप। बेद बे बी डार्क द ये भी डार्क बेद। थ लाइट होता है और द डार्क होता है बेद। शेड श लाइट डी डार्क शेड। ए का वॉवल सेकंड प्लेस डार्क। फेड अब ये साउंड इसमें ये हल्का साउंड हो रहा है ए का, तो सेकंड प्लेस वॉवल है ये भी पर लाइट डॉट। एफ और डी फेड। फेच यहाँ से स्टार्ट करना है ये, और यहाँ कर दूंगा फेच। नेक्स्ट है डेथ डी डे थ लाइट ए का साउंड है हल्का लाइट डेथ। शेड श शेड लाइट आउट शेड। एस से वॉवल लाइट ए लाइट
और डार्क डॉट एसे। प्रेसिडिंग वॉवल्स, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी मैं इसको आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक बार शायद रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडिंग वॉवल्स मीन्स जब हम स्ट्रोक बनाएं उससे पहले जब हम वॉवल का यूज़ करते हैं तो वो प्रेसिडिंग वॉवल कहलाते हैं। जैसे एड, आपको मैंने पहले बताया पहले हम स्ट्रोक बनाएंगे, पहले आउटलाइन बनाएंगे, उसके बाद हम वॉवल लगाएंगे। तो एड, ये ए इसमें साउंड है और डी स्ट्रोक है, एड, ड, एड वॉवल का साउंड है ए, डार्क पहले हमने ये बनाया, इससे पहले आ रहा है हमें ये वॉवल का साउंड स्ट्रोक से डी से पहले आ रहा है तो हम पहले लगाएंगे, मीन्स लेफ्ट साइड एड। तो ये प्रेसिडिंग वॉवल्स हैं, ये जितने भी वर्ड हैं इनकी आउटलाइन जब हम बनाएंगे तो वॉवल सब में पहले आ रहा है तो हम इसको पहले लगाएंगे, तो ये हो गए प्रेसिडिंग वॉवल्स। एच, एच जे लाइट डॉट एच, एज जे लाइट एज, एब बी डार्क, ए का साउंड पहले आ रहा वॉवल तो वॉवल भी इसमें पहले लगेगा एब। तो ये हैं सारे प्रेसिडिंग वॉवल्स क्योंकि ये स्ट्रोक से पहले यूज किए गए हैं। नेक्स्ट होता है फॉलोइंग वॉवल्स। फॉलोइंग वॉवल्स मीन्स जब हम स्ट्रोक के बाद वॉवल का यूज़ करते हैं, जैसे अब ये है डे, पहले डे, पहले स्ट्रोक का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो पहले हम कॉन्सोनेंट का स्ट्रोक बनाएंगे डी, ए डे, बो बी डार्क डाउनवर्ड स्ट्रोक, स्ट्रेट स्ट्रोक होता है ये बो, बो इसमें वॉवल बाद में यूज होता है तो ओ, ओ अभी मैं आपको ये वॉवल कराऊंगी बो। दे डार्क दे, फो ये फो एफ बनाया ये ओ, फो ये ओ वॉवल है, अभी मैं ये आपको भी कराती हूँ इसको, आपको मैं फर्स्ट दो वॉवल करा चुकी हूँ ए और ए। ए लॉन्ग वॉवल साउंड है, जैसे मे, जब हम मे बोलते हैं जो उसमें ए का साउंड होता है वो मे। ए, ए शॉर्ट वॉवल है, जैसे जब हम पेन बोलते हैं तो उसमें ए का जो साउंड होता है वो ये ए साउंड है, लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होगा पेन। ए और ए ये दोनों वॉवल कर चुके हैं। ए लॉन्ग वॉवल, जैसे जब मे बोलते हैं जो उसमें ए का साउंड होता है तो उसके लिए हम डार्क डॉट का यूज़ करते हैं। ए, ए शॉर्ट वॉवल होता है, जैसे पेन बोलते हैं तो उसमें जो ए का साउंड हो रहा है उसको हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ए और ए वॉवल है ये डॉट, इसमें डॉट का यूज़ करते हैं और इसको स्ट्रोक के सेकेंड प्लेस में लगाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ओ एंड अ, ये ओ लॉन्ग वॉवल होता है, ये है ये लॉन्ग वॉवल होता है और ये किसे डैश से रिप्रेजेंट होता है, हैवी डैश से, ये भी सेकंड प्लेस वॉवल है। वॉवल्स ओ एंड अ, तो ओ वॉवल होता है ये लॉन्ग वॉवल है और ये डैश से, इसमें लॉन्ग ओ के लिए हम डैश का यूज़ करते हैं, डार्क डैश का यूज़ करते हैं, और ओ शॉर्ट वॉवल होता है और इसके लिए हम लाइट डैश का यूज़ करते हैं। वॉवल्स को याद करने के लिए दो लाइनें हैं, उन्हें हम याद कर लें तो ये हमें वॉवल्स हमेशा याद रहेंगे। पा मे वी ऑल गो टू, अब मे वाला हम कर चुके हैं, मे वाला हम कर चुके हैं जिसमें ए, ए वॉवल आता है डॉट वाला। अब हम करेंगे, आज करेंगे गो, गो में जैसे हम ओ का साउंड हो रहा है तो ये ओ यही वॉवल है, ओ लॉन्ग वॉवल ओ है, ये इसमें सारे लॉन्ग वॉवल यूज हुए हैं। नेक्स्ट लाइन है दैट पेन इज नॉट मच गुड, ये पेन
ये वॉवल हम कर चुके हैं, ए वाला वॉवल, इसमें जो लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होता है, ये सेकंड प्लेस वॉवल है। जो अब हम करेंगे ओ, उसमें मच में जो हम ओ का साउंड सुनते हैं वो ये वाला साउंड होता है, और इसके लिए हम लाइट डैश का यूज़ करेंगे। तो लॉन्ग ओ के लिए हैवी डार्क डैश और अ के लिए लाइट डैश, दोनों ही सेकंड प्लेस वॉवल हैं, ये दोनों ही सेकंड प्लेस वॉवल हैं। वर्ड प्रैक्टिस करेंगे अब वॉवल ओ की। आप ये बुक से भी देख सकते हैं, जो इस बुक में वर्ड दिए गए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं आपको। पहला वर्ड है टो, टी वॉवल बनाया लाइट, ओ डार्क डैश टो, ओट, टी स्ट्रोक ओट, ओ टी ओट, बो बी ओ बो, जो जे ओ जो। अब ये जब हम नाम होता किसी का तो उसके नीचे हम ऐसे दो डैश लगा देंगे, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये नाम है। फो, फो कर्व्स और ओ डार्क, ओथ थो ओथ, सो सो एस और ओ सो, ओज, अब ज, ज का साउंड ही डार्क हो जाएगा, ओज ओ। अब इसमें रेजिडिंग वॉवल है पहले आ रहा है तो ओज, ओ वॉवल पहले आएगा यानी लेफ्ट साइड में आएगा, अगर बाद में आता है तो राइट साइड में, अगर पहले आता है तो लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट शो, शो शो बनाया और ओ शो, शोड पहले शो वॉवल आ रहा है फिर डी का साउंड, शो कर बनाएंगे, शो आ रहा है वॉवल हम बाद में लगाएंगे, उससे पहले हम नीचे का स्ट्रोक बनाएंगे डी का, शोड, पहले हमें स्ट्रोक बनाने हैं बाद में हमें वॉवल लगाना है, अब शोड, तो ये सेकंड प्लेस वॉवल ओ शोड। नेक्स्ट है बोट, बो ट टी बोट, वोट वी, वो डार्क कर वो ट टी लाइट, फिर अब इसमें हम वोवल बाद में लगाएंगे वोट। तो हमारे ये हैं ओ वोवल वाले स्ट्रोक। नेक्स्ट हम करेंगे शॉर्ट अ, जब अ का साउंड प्रेजेंट रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम लाइट डैश से, लाइट डैश का हम यूज़ करेंगे, और ये भी सेकंड प्लेस वोवल हैं, तो ये भी ऐसे ही इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला वर्ड है अप, अप पहले स्ट्रोक बनाया पी अ अप, अस स लाइट अस, टब टी ब टब, टच टी स्ट्रोक बनाया चे स्ट्रोक बनाया फिर अ वॉवल लगाया टच, डच डी स्ट्रोक बनाया चे स्ट्रोक बनाया लाइट डच, सेकंड प्लेस वॉवल नाम है ये तो इसलिए इस नीचे नीचे दो डैश आ जाएगा, जज ज ज वॉवल बाद में लगाएंगे जज। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज, मैं अब एक्सरसाइज की डिक्टेशन बोलती हूँ, टू एंड थ्री का वर्ड की भी डिक्टेशन बोलती हूँ, एक्सरसाइज की भी डिक्टेशन बोलूँगी वीडियो के लास्ट में, आप प्रैक्टिस कर लेना। रेडी स्टार्ट, एफ वी इथ दी, एस जी इश जी, हैव थिंक them, was, shall, usual, usually. Words practice, they, say, fade, faith, shape, bathe, shade.
वर्ड प्रैक्टिस डे से फेड फेथ शेप बेथ शेड फेड फेच डेथ शेड एसे टो ओट बो जो फो ओथ सो ओज शो शोड बोट बोथ वोट अप अस टब टच डच जज एक्सरसाइज टू स्टार्ट फर्स्ट लाइन हैव दे पेड द डेट क्वेश्चन मार्क सेकेंड लाइन दे थिंक द डेट वॉज पेड फुल स्टॉप थर्ड लाइन डू दे से सो क्वेश्चन मार्क फोर्थ लाइन दे से दे पेड इट टू एब फुल स्टॉप फिफ्थ लाइन दे हैव यूजुअली पेड अस फुल स्टॉप सिक्स्थ लाइन वॉज इट पेड टू जो क्वेश्चन मार्क सेवन्थ लाइन शैल दे शो द एसे टू जो क्वेश्चन मार्क एट्थ लाइन हु शैल जज द एसे क्वेश्चन मार्क नाइन्थ लाइन एब शैल बी द जज फुल स्टॉप एक्सरसाइज थ्री फर्स्ट लाइन शो देन द बोट फुल स्टॉप सेकेंड लाइन हु शैल फेच द बोट क्वेश्चन मार्क विच बोट शैल जो शो टू देम क्वेश्चन मार्क फोर्थ लाइन दे हैव यूजुअली पेड अस टू डू इट कॉमा बट दे हैव पेड एड कॉमा टू फुल स्टॉप फिफ्थ लाइन दे बोथ से सो फुल स्टॉप सिक्स्थ लाइन दे थिंक दे हैव टू वोट टू एड देम फुल स्टॉप सेवन्थ लाइन विच वॉज द पेज दे शोड अस क्वेश्चन मार्क एट्थ लाइन हु वॉज अप टू पेज टू क्वेश्चन मार्क नाइन्थ लाइन दे बोथ से इट वॉज यूजुअल टू वोट फुल स्टॉप आप इस स्पीड को YouTube में सेटिंग में जाके भी इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।